नमस्कार, मैं वीर विक्रम रजत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ के स्थित फर्जी कॉलेज की। ईडी ने मंगलवार को हरदोई रोड स्थित हाइजिया ग्रुप के कॉलेज लखनऊ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन पर छापा मारा तो वेबसाइट पर दिए गए पते पर कॉलेज की बिल्डिंग थी ही नहीं। छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी के हाइजिया एजुकेशनल ग्रुप के एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। ईडी ने मंगलवार को हरदोई रोड स्थित हाइजिया ग्रुप के कॉलेज लखनऊ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन पर जब छापा मारा तब उन्हें वेबसाइट पर दिए गए एड्रेस पर कॉलेज की बिल्डिंग मिली ही नहीं। ईडी ने जब नजदीकी मौजूद फार्मेसी कॉलेज को खंगाला तो वहां एलसीएमई के फर्जी छात्रों की 2800 से ज्यादा डिग्री मार्कशीट और 2800 से अधिक डिप्लोमा कोर्सेज के सर्टिफिकेट बरामद हुए। हाइजिया की इस करतूत को देखकर ईडी के अफसर भी हैरान रह गए। आशंका जताई जा रही है कि हाइजिया ने इस तरह के कई अन्य फर्जी कॉलेज खोल रखे हैं। इनको केवल वेबसाइट पर जाकर छात्रों का फर्जी दाखिला दिखाकर छात्रों से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति को हड़पा जा रहा है। मंगलवार को हाइजिया ग्रुप पर तीसरी बार छापा मारने पहुंची ईडी की टीम को फार्मेसी कॉलेज का चप्पा चप्पा छान कर सबूत जुटाने पर पता चला कि कॉलेज में मिली तमाम डिग्री मार्कशीट और सर्टिफिकेट कूड़े की तरह पड़े हुए थे, जिनको कभी छात्र लेने तक नहीं आए। 200 से ज्यादा बोरों में उत्तर पुस्तिकाएं मिली। ईडी ने हाइजिया के अकाउंटेंट और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। एलसीएमई के पते पर पहुंची तो पता चला वहां पर वेबसाइट पर दिए गए कॉलेज के एड्रेस पर बिल्डिंग थी ही नहीं। जब ईडी के अधिकारियों ने दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि इसका पूरा लेखा जोखा फार्मेसी कॉलेज में मिल सकता है। इसके बाद ईडी ने फार्मेसी कॉलेज का रुख किया जहां पर मार्कशीट और बाकी जानकारी बरामद की गई। आशंका जताई जा रही है कि इन कॉलेजों की संख्या 50 से भी अधिक हो सकती है। फर्जी छात्रों को दाखिला दिलाकर उनके नाम पर छात्रवृत्ति हड़पने में रवि प्रकाश गुप्ता की भूमिका थी। इसके बाद ईडी ने मंगलवार को रवि प्रकाश के जानकीपुरम स्थित आवास पर छापा मारा जहां से कई संपत्तियों के दस्तावेज, फिनो बैंक से जुड़े कागज, निवेश से संबंधित जानकारियां हाथ लगी हैं।